कहाँ से आए हो आप? हम सब, ये हमारी सारी टीम जो है, सब हम सब वृंदावन से पधारे हुए हैं और इस बलदेव नगर कॉलोनी में महाराज श्री के सानिध्य में और सभी बलदेव नगर निवासियों के सहयोग से और हमारी जो इंदु शर्मा जी हैं उनके असीम सहयोग से ये जो श्रीमद् भागवत कथा है इसको हम सब ने एक धर्म प्रचार के लिए रखा है, ताकर कि आज का जो धर्म है वो धीरे धीरे लुप्त हुआ जा रहा है, ताकर कि उस धर्म को पुनः हम जागृत करें और सभी जो उसमें व्यथित हैं, उस धर्म को नहीं जान पा रहे हैं, तो उस धर्म को स्थापित करें और भगवान की कथा उनको श्रवण कराएं, ताकर कि वो इस भव सागर से मुक्त हों और अपना एक मार्ग ढूंढें आगे का। आज कथा का कौन सा दिन है, क्या है? आज कथा का चतुर्थ दिवस है और इसमें से आज के दिन ही वामन भगवान जो है राजा बलि के यहाँ गए हैं और राजा बलि से 3 पग जमीन की याचना की थी, तो राजा बलि ने 3 पग जमीन दिया है उन्हें। और भी अनंत कथाएं आती हैं, प्रहलाद चरित्र भी आज होगा, जो इतना कष्ट पाने के बावजूद भी उन्होंने भगवान का साथ नहीं छोड़ा और बाद में भगवान खंभे से प्रकट होकर के प्रहलाद की रक्षा किए हैं और अनंत जीवन में आशीर्वाद दिया है, ताकर कि आप प्रसन्न रहें भक्ति की ओर। क्या संदेश देना चाहोगे, दिन ब दिन इन चीज़ों को भूलती जा रही है नई पीढ़ी? ये है कि आजकल देखिए सब ये धर्म को धीरे धीरे भूले जा रहे हैं, तो जो आजकल के बच्चे हैं वो भगवान राम का और भगवान श्री कृष्ण का, उनके चरित्रों का कोई भी अंश मात्र भी नहीं जानते हैं कि क्या इनका स्वरूप है। तो हम उन सबको ये बताना चाहते हैं, उनके माता पिता को ये बताना चाहते हैं कि ताकर कि वो अपने साथ कथा में लाएं और उनको गीता भागवत का ज्ञान प्रदान करें, ताकर कि आपकी वो सेवा कर सकें और निरंतर भक्ति में ध्यान दे सकें। ये कौन से तारीख तक चल रही है, कौन सी कथा चल रही है? 22 तारीख से स्टार्ट हुई है कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ, जो सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है, और ये 28 तारीख तक ये श्रीमद् भागवत कथा होगी, 29 तारीख को पूर्णाहुति हवन होगा। आपने अब तक कितनी कथाएं कर चुके? अभी हमारी ये 24वीं कथा है, 24 हो चुकी हैं कथा और यहाँ 25वीं कथा कर रहे हैं महाराज श्री के सानिध्य में। आपका नाम? हमारा नाम भरत कृष्ण शास्त्री, श्रीधाम वृंदावन।